नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पृथ्वी हमारा आवास पाठ्य पुस्तक का अध्याय प्रथम सौर मंडल में पृथ्वी जो है उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसे अब यहाँ पे हमको पता लगा है कि जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, जो भी हम देखते हैं, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है या कोई भी तारा है, वह खगोलीय पिंड है। और जो बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं, जिनके अंदर अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है, खुद उत्सर्जित करते हैं, वह तारा कहलाता है। तो सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण एक, कागज के मध्य से टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज से छेदित वृत्तीय भाग को कांच पर समान सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च को चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के उनके छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे रात के समय आसमान में हम तारे चमकते हैं, उनको हम देखते हैं। अब कमरे के सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एक प्रयोग बताया गया है कि रात को किस प्रकार से अंधेरा होता है तो और उन तारों का प्रकाश हमको दिखता है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, दिन का समय होता है, तो हमें वो छोटे प्रकाश वाले, कम प्रकाश वाले जो तारे होते हैं जो हमें अंधेरे में दिखते हैं, वह हमें नहीं दिखते हैं। हम दोबारा वापस आते हैं। हम खगोलीय पिंडों की बात कर रहे थे। जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो जिन्हें कोई अस्तित्व होता है, तो वो खगोलीय पिंड है जो इस ब्रह्मांड में है, वह खगोलीय पिंड है। और जो बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, वह तारे कहलाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसे हम यहाँ पे बताया गया कि मतलब
रात्रि के समय जो हम तारों के विभिन्न समूहों को देखते हैं तो कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब इसमें अर्सा मेजर और बिग बियर का नक्षत्र मंडल के बारे में बताया है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि सप्त सात ऋषि संत। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आप वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे जो हैं वो कहाँ पे होता है, देख सकते हैं आप किस तरीके से उत्तर दिशा का यहाँ पे निर्धारण हुआ है। फिर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करते हैं। तो आप उसे मिलाते हैं, वह एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ऐसा ही एक पिंड जो है खगोलीय पिंड जो ग्रह है वह हमारी पृथ्वी है, जिसका खुद का स्वयं का प्रकाश वह ऊष्मा नहीं है, यह अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से लेता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य हैं, हम पढ़ सकते हैं साथ में कि बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया कि ये यूरेनस शनि और बृहस्पति बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो शक्तिशाली दूरबीन जो हमारे नासा इसरो इन लोगों के पास जो भी स्पेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके ऊपर रिसर्च करती हैं इन लोगों के पास होते हैं। जो लोग आकाश के मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को बड़ा आनंद होता है, तो जो ये नक्षत्र मंडलों को देखने वाले जो लोग होते हैं इनके पास ये प्राप्त होता है, तो आप उनको दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सौर मंडल के बारे में बताया गया है कि सूर्य जो है सूर्य को और सूर्य एक जो तारा है और हमारे ग्रह में आठ जो हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह हैं उनसे मिला के हमारा सौर मंडल बनता है। तो सूर्य जो है उसके बाद में जो आता है वह बुध मरकरी, उसके बाद में वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल। जो ये चारों ग्रह हैं ये जो है ये सबसे मतलब सूर्य के नज़दीकी ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं और इनको कम समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। उसके बाद में जुपिटर आता है बृहस्पति जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आता है शनि सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। ये जो मतलब जो ये चारों ग्रह हैं बाद के ये सूर्य से काफ़ी दूर हैं और ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये जो है चट्टानों से नहीं ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये इतने दूर हैं कि अभी तक पृथ्वी से कोई भी इन ग्रहों पे नहीं जा पाया है। तो आपने यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है कि इन कुछ ग्रह के बारे में। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौर मंडल, यह सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य, जिसका जो प्रधान है जो हेड है वो सूर्य है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। चीज़ें हैं जैसे कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में से लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। लॉजी जियोलॉजी जियोमेट्री एंड जियो आईडी पृथ्वी का अध्ययन, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे हम लिखते हैं जियोलॉजी जियोमेट्री एंड जियो आईडी। जियो से मतलब पृथ्वी, अगर पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा जाता था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अगर भारतीय किसी खगोल शास्त्री का नाम बताइए, या प्राचीन भारतीय खगोल प्रसिद्ध खगोल शास्त्री का नाम बताइए, खगोल शास्त्री कौन होते हैं, तो आप यहाँ पे उसका उत्तर दे सकते हैं कि खगोल शास्त्री जो होते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले होते हैं, और आर्यभट्ट जो है वो सबसे पुराने खगोल शास्त्री हैं भारतीय इतिहास में। तो हमने अभी यहाँ पे सौर मंडल पढ़ा था, सूर्य के हम दोबारा आते हैं। तो सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब ग्रह के बारे आती है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसमें कहते हैं माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो मतलब दिस इज एक फॉर्मूला है जिससे आप सूर्य के करीबी ग्रह से लेके अंत तक का जो ग्रह है उसको आप याद कर सकते हैं। मतलब माई मतलब मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मा से मार्स, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, यहाँ पे 8 के 8 नाम है। बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हैं सेंटेंस को। तो ये सूर्य का उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है कि यहाँ पे उनकी वे घूमते हैं, लेकिन कहीं पे उनकी जो घूमने की जो डिस्टेंस होता है वो कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है, मतलब कहीं कहीं पे। इसी कारण से जो पृथ्वी पर मौसम है वो बदलते रहते हैं। पृथ्वी कक्षा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये बुध की बात कर रहे हैं, जो ये मरकरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पास में है तो सरल सी बात है इसको चक्कर लगाने में सूर्य के कम ही दिन लगते होंगे। इसको सिर्फ 88 दिन लगते हैं, तो इसका एक साल 88 दिन में पूरा हो जाता है सूर्य का। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, मतलब शुक्र जो दूसरा जो ग्रह है बुध के बाद जो शुक्र है वह पृथ्वी जैसा है, समानांतर लगता है, आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो इसलिए उसको हम जुड़वा ग्रह भी हम शुक्र को कहते हैं। वीनस को पृथ्वी का अर्थ का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल ये संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा ग्रह कहलाता था पहले सौरमंडल में, जिसने 2006 से पढ़ाई करी है, जो हम लोग
जिन्होंने ये 2006 से पहले हम लोग जिन्होंने स्कूलिंग कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन लोगों को उन लोगों ने पढ़ा है। तो पहले हम लोग कहते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह है, नौवा ग्रह प्लूटो हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद से ये इसको समाप्त कर दिया गया है। हमारे सिर्फ ग्रह, हमारे जो सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया गया कि वह बहुत ही छोटा था, तो हमने उसको एक बौने ग्रह के रूप में मान लिया है। तो आइए हमारे अर्थ पृथ्वी की बारी आती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पूरी गोल नहीं है। जो ध्रुव है उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वहाँ पर थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो बहुत ही रोचक बात, और बहुत ही पृथ्वी के बारे में जानते ही हम लोगों को पता है कि पृथ्वी इसलिए अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पर ही जीवन है, बता रखी है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? आपको पता होगा कल्पना चावला जी हैं भारत की, जो चंद्रमा पर गए भी हैं नासा के थ्रू। यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं, चंद्रमा पे आ गए हम। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है, मतलब जितना हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का सिर्फ 25% ही व्यास चंद्रमा के पास है। तो इतना ही मान लीजिए कि 25%, अगर चांद जैसे 4 उपग्रह मिलेंगे तो जाके पृथ्वी ऐसा एक बड़ा ग्रह बनेगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं कि जब सिर्फ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 4 लाख किलोमीटर दूर है तो इतना दिखता है, तो सूर्य कितना बड़ा होगा जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद भी इतना बड़ा दिखाई देता है। तो उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडूसेट इत्यादि हैं। ये सारे भारतीय सैटेलाइट्स हैं। आपको बता दें कि उपग्रह को इंग्लिश में यहाँ पे सैटेलाइट कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आपको पता है जल, वायु और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए, और जीवों के लिए ऑक्सीजन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, चंद्रमा भी घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए सिर्फ उसका एक ही भाग हमको दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है
जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि तारे टूटता हुआ तारा दिखा, टूटता हुआ तारा दिखा, तो असल में ये वही उल्का पिंड होते हैं जो आकाश में जलते हुए निकलते हैं किसी क्षेत्र से, तो आपको वही चीज़ दिखती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? क्या लाखों तारों का समूह है यह पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे है? हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की जो विशालता है आप नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और फिर उससे ब्रह्मांड बनता है। तो वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस सत्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पे है? यहाँ पे आपका जो पाठ है वह समाप्त हो चुका है और यहाँ पे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी के उत्तर में इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको पूरे सबके उत्तर बताऊँगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसके उत्तर आप, और ये सारे पाठ के अंदर ही आपको मिल जाएंगे कि ग्रह तारों में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे, और किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा करा गया था, अभी मैंने आपको बताया था कि किसको कहा जाता है, और सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है, अर्थ है, पृथ्वी है, आपको पता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी अगले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप खुद भी इसके अंदर जो है वो है उसके उत्तर ढूंढ लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनकी रुचि भूगोल में बढ़े, पृथ्वी के जानकारी एकत्र करने में बढ़े, और उनको मैं आशा करता हूं, मैंने खुद इस पार्ट को पढ़ा इतने वर्षों बाद ताकि मैं आप लोगों के सामने रखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अच्छे से इसको पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप खुद ही अपने उत्तर इसके अंदर निकाल सकेंगे। तो यहीं पे हम इस को समाप्त करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी आपको लगती है कोई भी चीज़ तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।